राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबले में कठुमर रामगढ़ ब्लॉक के जातपुर की टीम ने महिला टेनिस बॉल क्रिकेट का मुकाबले में लक्ष्मणगढ़ की टीम को हार फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम के जीतने का सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज दूसरी बार सफल आयोजन करवाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित और शिक्षा से वंचित खिलाड़ियों की प्रतिभा को खोज के बाद 7 खिलाड़ियों को देश प्रदेश में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद दूसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और अंतिम चरण में प्रथम स्थान पाने वाली टीमों को प्रदेश स्तर पर खेलने का अवसर प्राप्त होता है। खेलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को मोबाइल की बढ़ती लत से मुक्ति दिलाकर प्राचीन और परंपरागत खेलों से जोड़ना है। परंपरागत खेलों से शरीर तंदुरुस्त और फिट रहता है। आज अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए खेलों में लक्ष्मणगढ़ की टीम ने 6 ओवर में 35 रन बनाए, जिसके जवाब में जातपुर की महिला की टीम ने 6 ओवर में 70 रन बनाकर फाइनल मुकाबला जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हुए खेल के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश गांधी, रामगढ़ ब्लॉक टीम प्रभारी रामस्वरूप मोहनलाल अनुपम, रमेश सैनी, जातपुर टीम प्रभारी अनीता यादव, टीम की तैयारी कराने वाले कोच शिवकरण धर्मेंद्र सैन, ग्रामीण जोगेंद्र सिंह चौधरी, मनीष कुमार, पदमचंद शर्मा सहित जातपुर, बांबोली, मीणापुरा के अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।